अपराजिता जी क्या बोलेंगे आज? दिनेश त्रिवेदी ने जिस ड्रामेटिक अंदाज में आज राज्यसभा से टीएमसी से इस्तीफा दिया, उसको क्या कैसे देखती है आप पॉलिटिकली? क्या इससे पहले राज्यसभा में ऐसा कुछ हुआ है? जी आप सबको नमस्कार। दिनेश त्रिवेदी जी एक अनुभवी और स्वाभिमानी नेता हैं, देश के पूर्व रेल मंत्री भी रह चुके हैं। आज जो उन्होंने राज्यसभा में कहा इस्तीफा देते वक्त, मुझे लगता है कि इस वक्तव्य से टीएमसी की अंदरूनी स्थिति पूरी तरह से सबके सामने स्पष्ट है। देखिए वहाँ भय है, अराजकता है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है बातचीत करने की। उन्होंने बहुत सही ढंग से कहा कि मुझे घुटन महसूस हो रही है, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का। तो मुझे लगता है कि ये टीएमसी के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। ऐसा उन्होंने कैसे कह दिया? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब कार्यकर्ता, विनय भाई सुन लीजिए बात, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। किसी भी पार्टी में जब कार्यकर्ता को, कर्मी को अपनी बातचीत कहने की स्वतंत्रता ना हो, भय का माहौल हो, अराजकता का माहौल हो, सब तरफ हिंसा ही दिखाई देती हो, कड़वाहट हो, आप उनकी बात सुने, उन्होंने कड़वाहट शब्द भी प्रयोग किया है, तो मुझे लगता है जहां इतनी कड़वाहट है तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में अभी टीएमसी को आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। अभी भी समय है, घर संवार ले, नहीं तो ऐसा होगा कि अप्रैल मई तक ममता दीदी अकेले रह जाएंगी अपने भतीजे के साथ और सारी पलटन हमारी तरफ आ जाएगी।